दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपने YouTube चैनल के लिए अलग अलग जगहों पर वैकेशन के लिए जाकर वहाँ रेंट पर दिए जाने वाले खूबसूरत घरों का रिव्यू देते थे लेकिन एक बार वो एक ऐसे खौफनाक घर में चले जाते हैं जहाँ पर उनके साथ बहुत ही भयानक घटनाएं घटने लगती है और उन्हें भी नहीं पता चलता की आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन क्या वो उस खौफनाक घर में फंस रह गए या फिर वो वहाँ ऐसी कभी बाहर भी निकल पाए चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल माइक और क्लेयर को देखते हैं जो यूट्यूब आरोप सुपर होस्ट नाम का एक चैनल चलाते थे जिसमे वो अलग अलग जगहों आरोप वैकेशन के लिए जाकर वहाँ रेंट आरोप दिए जाने वाले घरों का रिव्यू देते दे थे यहाँ आरोप हमें पता चलता है की कभी उनका सुपर होस्ट नाम का चैनल बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था पर अब उनके सब्सक्राइबर्स काफी कम हो गए थे यहाँ तक की उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए माइक के पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़ रहे थे जिसकी वजह से उनका माइक के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप काफी खराब हो चुका था पर माइक इन खराब हालातों को बेहतर बनाने के लिए अगली ट्रिप में क्लेयर को मैरिज प्रपोज करने का प्लान बनाता है उनका अगला डेस्टिनेशन पहाड़ियों पर बना एक खूबसूरत घर था जहाँ वो लोग कई महीनों ऐसी जाना चाहते थे आरोप वो घर हमेशा बुक रहता था लेकिन इस बार उन्हें वहाँ जाने का मौका मिल गया था उस घर की होस्ट का यूजर नेम बैटी लियो फिफ्टी था और उनके घर का साफ सुथरा रिकॉर्ड था जब माइक और क्लेयर वहाँ पहुँच घर के अंदर जाने के लिए मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो डोर का कोड काम नहीं करता है क्योंकि उन्हें गलत कोड दिया गया था वो लोग उस घर की होस्ट यानी मालकिन को बार बार फोन करने लगते हैं लेकिन उनके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था जिस वजह से उस घर की होस्ट का फोन नहीं लग पाता होस्ट आने का इंतजार करने के बजाय माइक और क्लेयर अपने चैनल के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं यहाँ पर वो दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि पीछे से अचानक उस घर की होस्ट रेबेका आकर खड़ी हो जाती है रेबेका के देखने का अंदाज काफी डरावना था और उसकी हंसी भी काफी अजीब थी असल में रेबेका अपने घर के सिक्योरिटी कैमरा के जरिए माइक और क्लेयर को घर के बाहर खड़ा देख कर वहाँ आई थी यहाँ पर वो दोनों रेबेका से डोर का कोड काम न करने के बारे में पूछते हैं जिस पर रेबेका उनको बताती है कि दरअसल जो लोग पिछली बार रहने के लिए आए थे वो घर से जाना नहीं चाहते थे वजह से मुझे सिक्योरिटी कोड चेंज करना पड़ा और मैं आपको भी नया कोड बताना भूल गई इसके बाद रेबेका डोर ओपन करके उनको घर दिखाती है वो घर उतना ही खूबसूरत था जितना वेबसाइट में क्लेयर और माइक ने देखा था यहाँ पर माइक रेस्ट रूम को चेक करने लगता है वही क्लेयर अपने यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए अपना कैमरा निकाल कर उस घर की होस्ट रेबेका का इंट्रोडक्शन देने लगती है लेकिन तभी रेबेका क्लेयर को शूट न करने का कहकर दूसरी साइड पीठ मोड़ कर खड़ी हो जाती है ये देखकर क्लेयर को थोड़ी हैरानी होती है वो रेबेका को कहती है कि उस घर को बुक करते समय उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि वो लोग क्या काम करते हैं और साथ ही अपने YouTube वीडियो में घर की होस्ट को अपेयर होने के लिए भी अग्री कर लिया था क्लेयर की बात सुनकर रेबेका फाइनली अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में देने के लिए मान जाती है और साथ में वो उसको ये भी कहती है की अभी हाउस बुकिंग का सीजन ऑफ चल रहा है इसलिए मुझे नहीं पता था की नेक्स्ट वीक ऐसी पहले कोई यूट्यूबर उसके घर आरोप वेकेशन के लिए आएगा इन दोनों की बातचीत के दौरान माइक वहाँ आकर रेबेका ऐसी कहता है की टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा जिस पर रेबेका उसे कहती है कि मैं कल रिपेयरिंग टूल्स लेकर आऊंगी और फ्लैश को ठीक कर दूंगी दिविका के जाने के बाद वो दोनों अपने सब्सक्राइबर्स के लिए घर का टूर कराते हुए एक वीडियो शूट करने लगते हैं जिसमें वो बेड से लेकर अवन तक हर चीज रिकॉर्ड करते हैं साथ ही वो उस घर के बारे में कुछ अजीबो गरीब बात भी बताते हैं जैसे विंडो में किसी पर्दे का ना होना बेसमेंट में बने स्टोरेज रूम में जूनॉ टेंटर लिखा होना हर जगह सिक्योरिटी कैमरा का लगा होना और उस घर में कोई भी बिल्ली न होने के बावजूद भी घर में कैट रूम का होना वगैरह वगैरह वीडियो शूट होने के बाद क्लयर को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी वो माइक से इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए कहती है वीडियो को अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्लो था वीडियो अपलोडिंग पर लगाने के बाद वो दोनों अपनी इस खराब चल रही सिचुएशन पर बात करने के लिए बेलकनी में आते हैं क्लेयर को बहुत फिक्र हो रही थी कि वो लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं लेकिन माइक उसे कहता है कि भले ही हम अभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं पर मुझे खुशी है कि हम दोनों साथ हैं उस रात माइक को नींद नहीं आती इसलिए वो लैपटॉप में वीडियो चेक करने लगता है पर तभी वो देखता है कि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है इसके बाद माइक खुली हवा में सांस लेने के लिए बालकनी में जाता है लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के बीच खड़ी रेबेका पर पड़ती है जो उसे ही बहुत डरावने तरीके से घूर रही थी रेबेका की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो माइक को घूरते हुए हाथ हिलाने लगती है की तभी अचानक क्लेयर बालकनी में माइक के पास आ जाती है और जब माइक दोबारा सड़क की ओर देखता है तो वो देखता है की रेबेका वाहन नहीं होती ये देख कर माइक थोड़ा डर जाता है अगले दिन माइक मोबाइल में देखता है की उनको यूट्यूब की तरफ ऐसी एक ईमेल आया है जिसमे लिखा है उनका चैनल सस्पेंड हो गया है क्लेयर उसे कहती है कि जो हमने कल इस घर के बैड रिव्यूज की वीडियो अपलोड की थी उसकी वजह से चैनल सस्पेंड हुआ है इसके बाद वो यूट्यूब की हेल्पलाइन से बात करने के लिए उनको फोन लगाती है पर घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए वो बाहर जाकर फोन लगाती है तभी रेबेका टॉयलेट ठीक करने के लिए घर पर आ जाती है और क्लेयर को फोन में बिजी देखने के बावजूद भी उससे बात करने लगती है क्लेयर उसे कहती है कि अभी वो एक इम्पोर्टेंट कॉल में बिजी है इसलिए उससे बात नहीं कर सकती पर रेबेका उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी जिससे क्लेयर रेबेका को अंदर जाकर माइक से बात करने को कहती है इसके बाद रेबेका घर के अंदर जाकर टॉयलेट ठीक करने लगती है शुरू में वो आराम से कर रही थी पर जब काफी कोशिश के बाद फ्लश ठीक नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन में वो जोर जोर से गुस्से में काम करने लगती है लेकिन इसके बाद भी जब टॉयलेट ठीक नहीं होता तो वो माइक से कहती है कि मैं कल टॉयलेट रिपेयर करने के लिए किसी एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी वो माइक से ये भी कहती है कि प्लीज आप लोग टॉयलेट खराब होने की वजह से अपने चैनल पर मेरे घर के बारे में यूट्यूब पर बैड रिव्यू मत देना तभी क्लेर अंदर आकर कहती है कि सिग्नल वीक होने के कारण उसे टूब हेल्पलाइन से बात करने में बहुत दिक्कत हुई पर किसी तरह उसने अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दी हैं कुछ समय बाद वो दोनों जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं वहाँ क्लेयर माइक से कहती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम होने के बाद भी वीडियो बनाना शायद अक्लमंदी नहीं है लेकिन माइक उसे कहता है की मुझे तुम्हारे साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है इसलिए वो चैनल आरोप वीडियो डालना कंटिन्यू रखना चाहता है उसकी इस बात ऐसी क्लेयर खुश नहीं होती क्यूँकी उसे टेंशन थी की उन्हें अपना रेंट तक भरने में दिक्कत आ रही थी और इसी वजह ऐसी इरिटेट होकर वो वापस घर जाने के लिए माइक को कहती है घर आकर वो लोग अब तक गए सारे फुटेजेस को चेक करते हैं इसी दौरान क्लेयर बार बार नोटिस करती है की सभी वीडियो में रेबेका का चेहरा बहुत डिस्टर्बिंग और डरावना लग रहा था उस रात माइक और क्लेयर जब सो रहे होते हैं तो बाहर ऐसी आने वाली अजीब आवाज ऐसी उन दोनों की नींद टूट जाती है क्लेयर को यहाँ आरोप डर लगता है इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन उनके फोन में नेटवर्क न होने की वजह ऐसी कॉल नहीं लग पाती तब वो माइक ऐसी अलार्म चेक करने को कहती है वो देखता है की अलार्म ऑन है पर तसली करने के लिए उसे फिर से ऑफ करके ऑन करता है और जब वो वापस जाने ही वाला होता है कि तभी भी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो बाथरूम से आ रही थी जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो देखता है कि टॉयलेट अब ठीक हो गया था और फ्लश के अंदर उसे नकली दांतों का एक सेट अटका हुआ मिलता है जिसे निकाल देने पर टॉयलेट पूरी तरह से ठीक काम करने लग गया था अगली सुबह उठने पर माइक को यूट्यूब वालों की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया है इस खबर से उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है इसके बाद वो अंडरवेयर में ही नीचे चला जाता है और देखता है कि रेबेका किचन में कुछ बना रही थी रेबेका उसे कहती है कि उन्हें अब तक घर में जो भी दिक्कतें हुई उसके बदले में वो उनके लिए नाश्ता बना रही है माइक को ये चीज काफी अजीब लगती है जिससे वो वापस ऊपर रूम में चला जाता है और दोनों रेबेका के घर जाने के बाद ही नीचे आते हैं क्लेयर को ब्रेकफास्ट काफी पसंद आता है और उसे सारी सिचुएशन भी अब अच्छी लगने लगी थी वो मजाक मजाक में सिक्योरिटी कैमरा की तरफ देख कर थैंक्स कहती है लेकिन तभी सिक्योरिटी कैमरा से रेबेका की आवाज़ आती है की मोस्ट वेलकम रेबेका को जवाब देते हुए सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं वो समझ जाते हैं की रेबेका उन्हें सिक्योरिटी कैमरा से लगातार देख ही नहीं रही थी बल्कि वो उनकी बातें भी सुन रही थी थोड़ी देर बाद माइक और क्लेयर अपने ट्रिप की रिकॉर्डिंग करते हुए व्यूअर्स को अपने सन की होस्ट के बारे में बताना चाहते थे लेकिन माइक क्लेयर से कहता है कि रेवेका उनकी बात सुन रही होगी इसलिए वो उस रूम का कैमरा ऑफ कर देते हैं ताकि वो आराम से वीडियो शूट कर सके पर तभी बाहर से कोई घर के अंदर पत्थर फेंकता है जो माइक को लगते लगते रह गया था माइक और क्लेयर दौड़ कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वेरा नाम की औरत वहाँ पर खड़ी थी वो उस घर की सेकेंड होस्ट यानी दूसरी मालकिन थी वेरा उनसे कहती है कि तुम दोनों ने जो हमारे घर के बारे में बैड रिव्यू दिया था उससे हमें बहुत नुकसान हो गया है हमें घर के लिए किराएदार मिलने बंद हो गए हैं और हमारे घर की मार्केट में डिमांड कम हो गई है वो बताती है कि यूट्यूब में रिपोर्ट करके उनके चैनल को सस्पेंड भी उसी ने कराया था और खिड़की में पत्थर भी उसी ने मारा है इतने में रेबेका वहाँ आती है और टूटी हुई खिड़की को देख कर वो वेरा पर बहुत गुस्सा होती है वो कहती है की अगर वेरा वहाँ ऐसी नहीं गयी तो वो पुलिस को बुला लेगी वेरा रेबेका को समझाने की कोशिश करती है की वो उन दोनों ऐसी होशियार रहे वरना वो लोग बैड रिव्यू देकर उसके बिजनेस को भी बर्बाद कर देंगे पर उसकी बात से रेबेका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने और उसको धमकाने लगती है इस पर वेरा डर कर तुरंत वहाँ ऐसी चली जाती है अब रेबेका माइक और क्लेयर ऐसी कहती है की उसके पास थोड़ा फ्री टाइम है इसलिए वो दोनों चाहे तो घर के रिव्यू के लिए उसका इंटरव्यू शूट कर सकते हैं लेकिन वीडियो की शुरुआत में वो थोड़ा नर्वस फील करती है इसलिए जोर ऐसी चिल्लाती है ताकि उसकी नर्वसनेस दूर हो सके इसके बाद माइक के क्वेश्चन पूछने पर रेबेका कहती है कि ये घर उसके डैड का था और उनके गुजर जाने के बाद उसे विरासत में मिला था वो उस घर को अपने डैड की आखिरी निशानी मानती थी इसलिए उस घर के पास ही बने एक छोटे से घर में रहती थी ताकि वो उस घर पर नजर रख सके और अच्छे से उसकी देखभाल भी कर सके वो कहती है कि उसके ख्याल में घर खाली नहीं रहना चाहिए इसलिए वो उसे रेंट पर देने लगी थी अगले सवाल के जवाब में वो कहती है कि उसे सबसे ज्यादा उन बूढ़े कपल्स की याद आती है जिन्होंने उसे भी अपने साथ छुट्टियाँ बिताने का मौका दिया था ये कहकर वो रोने लगती है जिससे माइक को वही इंटरव्यू खत्म करना पड़ता है रात को माइक और क्लेयर अब तक लिए गए सारे फुटेजेस को चेक करते हैं तभी क्लेयर नोटिस करती है स्क्रीन आरोप रेबेका का बिहेवियर पागलों जैसा है क्लेयर कहती है व्यूअर्स सनकी और पागल लोगों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए उन्हें रेबेका के और भी वीडियोस बनाने चाहिए इतना कहने के बाद वो सोने चली जाती है लेकिन माइक अपने चैनल पर व्यूअर्स को एक सीक्रेट अपडेट देता है कि अगले दिन वो क्लेयर को मैरिज प्रपोज करने वाला है इतना कहने के बाद वो भी सोने चला जाता है कुछ टाइम बाद खिड़की के बाहर खड़ी रेबेका गुस्से से उन दोनों को सोते हुए देखती है अगले दिन माइक और क्लेयर फिर से वॉक पर जंगल की तरफ जाते हैं क्लेयर अपने वीडियोस के लिए कुछ और फुटेजेस रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन तभी माइक उसे प्रपोज करने के लिए कैमरा बंद करने को कहता है जिस पर क्लेयर कैमरा बंद कर देती है और खुशी खुशी उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन क्लेयर फिर से कैमरा निकालती है और माइक से कैमरे के सामने उसे प्रपोज करने को कहती है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले पर माइक कैमरे के सामने अपनी पर्सनल फीलिंग को जाहिर नहीं करना चाहता था इसलिए वो नाराज होकर वापस रेंट हाउस में चला जाता है तभी क्लेयर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसे रोक कर उससे माफी मांगती है साथ ही वादा करती है की घर लौटने तक वो कैमरे को हाथ भी नहीं लगाएगी घर वापस आने पर क्लेयर नोटिस करती है कि कमरे के बीचों बीच जमीन पर उनका लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें रेबेका का इंटरव्यू चल रहा था तभी माइक को वहाँ पर एक मेल पड़ा हुआ मिलता है जिस पर बैटरी लाओ जॉनसन लिखा हुआ था जो रेबेका के यूजर नेम बेटरी लाओ फिफ्टी टू ऐसी मैच करता था देख कर माइक डर जाता है और तुरंत उस घर से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है पर क्लेयर को लगता है कि यहाँ रहकर वो लोग अच्छे वीडियोस बना सकते हैं इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी पर जैसे ही सिक्योरिटी कैमरा बीप की आवाज के साथ उनकी तरफ टर्न करता है तभी वो भी थोड़ा डर कर अपना इरादा बदल देती है और दौड़कर माइक के साथ कार में बैठ जाती है वहाँ से निकलकर वो दोनों खुद को सेफ महसूस करते हैं पर मुश्किल से कुछ ही दूर जाने पर वो रोड के बीचों बीच रेबेका को खड़ा देखते हैं जिससे उन्हें मजबूरन अपनी कार रोकनी पड़ती है वो उन्हें वक्त से पहले जाते देख कर ज्यादा परेशान नहीं दिखती बस उनसे कहती है की वो उन दोनों को एक आखिरी सरप्राइज देना चाहती है जिसके लिए वो उनको कैमरा लेकर उसके साथ आने की रिक्वेस्ट करती है माइक उसके साथ तो जाना नहीं चाहता था पर क्लैयर उसे ये कहकर मना लेती है कि इस बहाने उन्हें रेबेका के कुछ और फुटेजेस मिल जाएंगे जिससे उनके वीडियोस और अच्छे बन जाएंगे क्लेयर माइक से कहती है कि उनकी वीडियोस पर अगर व्यूज बढ़ गए तो उन्हें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद कैमरा ऑन करके वो रेबेका के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगते है रास्ते में रेबेका चिल्लाते हुए अपना इंट्रोडक्शन ठीक वैसे ही देती है जैसे माइक और क्लेयर हमेशा वीडियो की शुरुआत में देते थे अब जैसे जैसे वो लोग घने जंगल में घुसते जाते हैं वैसे वैसे रेबेका बीच बीच में कूदने और खतरनाक आवाजें निकालने लगती है तो कभी वो पागलों जैसे जोर जोर से हंस कर उन्हें डराने लगती है आखिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वेरा एक पेड़ के नीचे बैठी थी उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर एक टेप लगा हुआ था ये देखकर वो दोनों शॉक रह जाते हैं वहीं तो रेबेका एक चाकू निकाल कर क्लेट ऐसी सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहती है रेबेका उनको ये भी कहती है कि उसे इस बात का दुख है कि उन्हें यहाँ रहने में कुछ खास मजा नहीं आया इसलिए उसने उन्हें ये सरप्राइज देने का सोचा है इसके बाद पहले तो वो अपना कोट उतार कर एक पेड़ पर टांग देती है फिर वेरा से माफी मांगते हुए उसके चेहरे पर सच में चाकू से वार करती है फिर लगातार उसके पेट में चाकू घोटती जाती है ये देखकर माइक और क्लेयर इतना डर जाते हैं की तुरंत वहाँ ऐसी भागने लगते है वेरा को मारने के बाद रेबेका कैमरा लेकर खुद को रिकॉर्ड करते हुए उनके पीछे पीछे भागती है उधर माइक और क्लेयर को लगता है की कार के पास जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि वहाँ रेबेका उनका इंतजार कर रही होगी इसलिए वो घर की तरफ भागते हैं पहले तो वो घर के अंदर जाकर खुद को लॉक करते हैं पर बाद में माइक पुलिस को फोन करने के लिए बाहर जाता है पर जैसे ही जंगल की तरफ से रेबेका की आवाज गरीब आने लगती है वो तुरंत घर के अंदर चला आ जाता है और दोनों मिलकर डोर लॉक कर देते हैं क्लेयर अलार्म में लगे हुए एक खास बटन को प्रेस करके पुलिस को खबर देने लगती है लेकिन बदकिस्मती से वो काम नहीं करता तब अचानक उनकी नजर खिड़की के बाहर खड़ी रेबेका पर पड़ती है उसके हाथ में उनकी कार की चाबी थी यहाँ पर वो दोनों खिड़की से उसके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और जब रेबेका दरवाजे पर पहुँचती है तो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं क्लेयर रेबेका से कहती है कि हम सारे फुटेज को डिलीट कर देंगे जो भी कुछ जंगल में उसने किया और उसके बारे में किसी ऐसी कुछ भी नहीं कहेंगे पर रेबेका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है वहीं बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हुए क्लेयर उस स्टोरेज रूम में पहुँच जाती है जहाँ जाना मना था दूसरी तरफ माइक खिड़की से रेबेका पर नजर रखे हुए था उधर नीचे स्टोरेज रूम में क्लेयर को एक डिश मग एक स्लीपिंग बैग और एक कंप्यूटर मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि रेबेका इसी स्टोरेज रूम में रहती थी और उसने उनसे झूठ बोला था कि वो पास ही किसी दूसरे घर में रहती है क्लेयर को कंप्यूटर से सिक्योरिटी कैमराज का एक्सेस मिल जाता है और वो देखती है कि माइक खुद को बचाने के लिए फायर प्लेस में इस्तेमाल होने वाले रॉड को उठा लेता है तभी क्लेयर की नज़र एक कैमरे पर पड़ती है जिसमें रेबेका माइक को कुछ कहती हुई दिखाई देती है क्लेयर के पास आवाज़ सुनने का ऑप्शन नहीं था इसलिए वो उन दोनों की बातचीत नहीं सुन पाती वहीं रेबेका माइक को बताती है कि उसने बैटी लाओ जो इस घर में रहने आया था उसे और उसकी बिल्ली को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने उसे अपने साथ रहने की परमिशन नहीं दी थी उधर बेसमेंट में क्लेयर देखती है कि रेबेका के कंप्यूटर में इंटरनेट काम कर रहा है वो तुरंत अपने चैनल एक वीडियो डालकर अपने व्यूअर्स से पुलिस को वहाँ पर भेजने के लिए रिक्वेस्ट करती है जैसे ही वीडियो अपलोड होना शुरू होता है तभी पीछे से उसे रेबेका वहाँ आती हुई दिखाई देती है रेबेका उसको बताती है कि उसने अपने फोन को कैमरा के माइक्रोफोन से लिंक कर रखा है जिससे वो घर के आसपास टहलते हुए आराम से घर के किराएदारों की बातें सुन सकती थी और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था उधर माइक अभी तक दीवार पर लगे कैमरों की तरफ ही देख रहा था कि अचानक स्टोरेज रूम से आने वाली चीख सुनकर वो समझ जाता है कि क्लेयर की जान खतरे में है और उसको बचाने के लिए दौड़ता हुआ स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी वो देखता है कि रेबेका क्लेयर के बालों को कसकर पकड़े हुए उसे मारने के लिए चाकू निकाले बैठी है और माइक के आते ही चाकू से क्लेयर का गला काट देती है ये देखकर माइक खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भाग जाता है और रेबेका उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे भागती है तभी वो चाकू से उस पर वार करके उसे घायल कर देती है माइक किसी तरह घर से बाहर निकल कर दरवाजा बंद कर देता है और चाकू लगने की वजह से दर्द से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर जाता है वहीं रेबेका एक सीक्रेट दरवाजे के रास्ते बेसमेंट से बाहर निकल जाती है उसे अपनी तरफ आते देखकर माइक तुरंत खड़ा होकर फिर से वहां से भागने लगता है माइक को भागते देखकर रेबेका भी रिकॉर्डिंग करते हुए उसके पीछे जा रही थी वो एक रियल यूट्यूबर की तरह बीच बीच में कैमरे की तरफ देखती हुई बातें भी करती रहती है की आज उसने दो शिकार तो कर लिए हैं और तीसरा अभी कर रही है माइक के जख्मों से निकलने वाले खून की वजह से रेबेका उसे बड़ी आसानी से ट्रेस कर लेती है कि वो किधर जा रहा है वहीं माइक लगातार भागते हुए हुए एक चीज से टकरा जाता है जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि वो बेटी ल्यू और उसकी बिल्ली की लाशें थी जिसको रेबेका का नहीं मारा था ये देखकर माइक अपनी चोट का दर्द भूलकर और भी तेजी से भागने लगता है और अपनी कार तक पहुंच जाता है पर कार का डोर लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता यहाँ पर वो अपना फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी कार जोर जोर से बीप करने लगती है कार की तेज आवाज से उसको फोन करने में दिक्कत हो रही थी वो फिर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता इसके बाद माइक देखता है कि कार में से तेज बीप की आवाज रेबेका के कार के रिमोट बटन प्रेस करने की वजह से आ रही थी रेबेका इस तरह उसे तब तक उलझा कर रखना चाहती थी जब तक कि वो उस तक पहुंच नहीं जाती और फाइनली जब रेबेका उसके पास पहुंच जाती है तब वो देखती है कि माइक कार के सहारे लगभग मरने की हालत में बैठा हुआ था ये देख कर रेबेका कैमरा जमीन पर रिकॉर्डिंग पोजिशन में रखकर पहले माइक के पॉकेट से एंगेजमेंट रिंग निकाल कर अपनी उंगली में डाल लेती है फिर उसे चाकू से मार कर खत्म कर देती है इसके बाद वो उसकी बॉडी को कार की डिग्की में डालकर कार ड्राइव करती हुई वापस घर आ जाती है और अपने हाथ धोकर उस रिंग को निकाल कर अपने नेकलेस में डाल लेती है इसके बाद वो स्टोरेज रूम में जाकर देखती है की क्लेयर का वो वीडियो जो उसने व्यूअर्स ऐसी हेल्प मांगने के लिए बनाकर अपने चैनल आरोप अपलोड किया था वो वीडियो पूरा अपलोड हो चुका था ये देख कर, कुछ सेकेंड के लिए रेबेका टेंशन में आ जाती है और व्यूअर्स की कमेंट पढ़कर जल्दी ही उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है क्योंकि सभी व्यूअर्स को लगता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है जिससे उसकी वीडियो वायरल हो जाए इसलिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता ये देखकर रेबेका बहुत खुश होती है और कंप्यूटर पर वीडियो चलता छोड़कर मुस्कुराते हुए क्लेयर की बॉडी को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाती है